हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक विद स्वीटी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सिर्फ दो चीजों से बनने वाली चॉकलेट फज की रेसिपी। बहुत ज्यादा सॉफ्ट और एकदम क्रीमी हमारा फज बनता है। आप फज का टेक्सचर देख के ही समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले हम चॉकलेट फज बनाने के लिए मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो मैंने रेक्टेंगल शेप का मोल्ड ले लिया है। अब आप इसके ऊपर बटर पेपर लगा दीजिए। बटर पेपर लग चुका है तो अब हम फज बनाएंगे। फज बनाने के लिए गैस का फ्लेम ऑन करिए। आपको गैस का फ्लेम एकदम स्लो पे ही रखना है। अब इसके ऊपर पैन रख दीजिए। इस पे अब मैं आधा कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। इस कंडेंस मिल्क को मैंने घर पे ही बनाया है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको ऊपर शो हो रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, उनको भी जाके जरूर देखिएगा। अब इसमें एक तिहाई कप चॉकलेट डालिए। मैं इस पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। अब जब तक चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, इसको इसी तरीके से पकाते रहिए एकदम लो फ्लेम पे। अगर आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसका टेक्स्चर देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ है। अब इसे जल्दी से मोल्ड में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आपको इसे कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। 8 घंटे हो गए हैं और हमारी जो चॉकलेट है अच्छे से सेट हो चुकी है। अब आपको फज को बिल्कुल आराम आराम से डीमोल्ड करना है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं जो हमारा फज है वो कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं फज को इस तरीके से आराम आराम से काट लूंगी। और ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज्यादा अच्छा आया है। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर अब थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।